वेलकम बैक टू माय चैनल डियर वाइफ ऑन ड्यूटी। मैं हूं रजनी। कैसे हो दोस्तों आप सब? दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि कैसे आप अपनी आईब्रो के हेयर ग्रोथ को बूस्ट कर सकते हो। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है ना कि उनकी आईब्रो जो होती है ना ये कटी पटी सी होती है, मतलब कहीं पर बाल होते हैं कहीं पर नहीं होते, या कई लोगों की जो आईब्रो है काफी ज्यादा थिन होती है, ठीक है ना, बहुत ज्यादा पतली होती है, और वो जो है ना ग्रो करना चाहते हैं कि उनकी जो ये हेयर ग्रोथ है ना अच्छी खासी हो और ताकि शेप अच्छी बने। बहुत डिपेंड करता है ये आपकी पर्सनैलिटी पर, ठीक है ना। ये इससे आपकी पर्सनैलिटी जो है ना दिखती है कि यार ये बंदा ऐसा लग रहा है वैसा है, परफेक्ट लग रहा है। तो कोई बात नहीं, परफेक्ट तो वैसे कोई भी नहीं होता, एक बात है। तो गाइज ये जो आईब्रो हेयर होते हैं ना इसकी ग्रोथ को कैसे बूस्ट किया जा सकता है, आज की वीडियो में दो चीजें आपके साथ शेयर करूंगी। एक तो होम रेमेडी आपके साथ शेयर करूंगी कि कैसे आप आईब्रो ऑयल को घर पर तैयार कर सकते हो। एक मार्केट वाला आईब्रो ऑयल आपको मैं दिखाऊंगी बताऊंगी, वो आप चाहो आपकी मर्जी है, चाहे तो होम रेमेडी फॉलो कर लो चाहे वो मार्केट वाला ऑयल ले लो, दोनों ही सेफ है, नेचुरल है, कोई किसी तरह का नुकसान नहीं होता। दोनों इसलिए बता रही हूँ, जो मार्केट वाला ऑयल है वो इसलिए बता रही हूँ ताकि लोगों की हेल्प हो सके। कुछ लोग कहते हैं ना कि हमें यार मार्केट प्रोडक्ट बता दो हमें घर पर बनाना ना पड़े, तो जिन लोगों के पास टाइम है तो होम रेमेडी फॉलो कर लो, जिनके पास टाइम नहीं है तो वो जो मार्केट वाला ऑयल है वो लेके आ जाओ, ठीक है। तो देख लेते हैं फटाफट से कौन सा है, वो कैसे फॉलो करना है, क्या रेमेडी है। लेकिन अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर दीजिए फटाफट से सब्सक्राइब एंड बेल आइकन प्रेस करेंगे तो आपको लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स फटाफट से मिलते रहेंगे, डेली मिलते रहेंगे। होममेड आईब्रो ऑयल बनाने के लिए मैंने एक क्लीन बॉल लिया है और इस क्लीन बॉल के अंदर मैं यहाँ पर ऐड करूंगी कैस्टर ऑयल को। ये अरोमा मैजिक का कैस्टर ऑयल है। कैस्टर ऑयल हमारे हेयर ग्रोथ को बूस्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा माना जाता है और मैंने इसे पर्सनली यूज़ भी किया है, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और यहाँ पर आईब्रो ऑयल तैयार किया जा रहा है ताकि जो हमारे आईब्रो के जो हेयर हैं उनकी ग्रोथ अच्छे से हो पाए, ठीक है। तो उसके लिए कैस्टर ऑयल दी बेस्ट है, तो इसलिए मैं इस क्लीन बॉल के अंदर यहाँ पर कैस्टर ऑयल को ऐड कर रही हूँ, लगभग 1 टीस्पून, ठीक है। 1 टीस्पून मैंने यहाँ पर कैस्टर ऑयल लिया है और नेक्स्ट मैं यहाँ पर लूंगी विटामिन ई का कैप्सूल। विटामिन ई जो है ना ये हमारे हेयर ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है, खासकर आईब्रो ऑयल हम तैयार कर रहे हैं तो उसके अंदर अगर हम इसको डालते हैं तो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा, हमारी जो आईब्रो के हेयर हैं वो तेज़ी से ग्रो करेंगे। तो एक ही कैप्सूल जो है वो सफिशियंट है इस आईब्रो ऑयल के लिए। नेक्स्ट मैं यहाँ पर डाल रही हूँ गुड वाइब्स का लेवेंडर एसेंशियल ऑयल। ये टोटली ऑप्शनल है, आपकी मर्जी है, अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप डाल लीजिए, अदरवाइज आप इसको स्किप कर दीजिए। वैसे ये हमारे आईब्रो के जो हेयर होते हैं उनकी ग्रोथ के लिए काफ़ी अच्छा होता है, इसलिए मैं यहाँ पर इसकी ऐड कर रही हूँ 3 ड्रॉप्स। 3 ड्रॉप्स मैंने इसकी ऐड कर दी हैं। अब इन तीनों चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैं इसे आपको थोड़ी क्वांटिटी में बनाकर दिखा रही हूँ, आप जो अगर इसको ज़्यादा बनाना है तो इसी क्वांटिटी को आप बढ़ा सकते हो और इस तरह से ये आपका आईब्रो ऑयल बनकर तैयार हो जाएगा और आप इसको जो है किसी भी छोटू से या बड़े से कंटेनर के अंदर स्टोर करके रख लीजिए। इस आईब्रो ऑयल को आपने जो है रात को सोने से पहले अपने आईब्रोज पर लगाना है एक ईयरबड की हेल्प से। इसमें ईयरबड को इसके अंदर डिप कीजिए अच्छे से, काफ़ी थिक होता है ये ऑयल और काफ़ी अच्छा रहता है, और इस तरह से इसके अंदर डिप करना है इसको और फिर इसको अपने आईब्रोज पर लगाना है अच्छे से। जहाँ पर आपको आईब्रोज में लगता है कि एक आधे पार्ट से जो है बाल कम है वहाँ पर इसको अच्छे से लगाइए और ओवरनाइट इसे अपने आईब्रोज में रखिए, डेली लगाइए जब तक कि आपका एक बार ये ऑयल ख़त्म नहीं हो जाता। कम से कम 10-15 दिन लगाइए, आपको जो है ना डिफरेंस नज़र आएगा, ठीक है। और फिर इसको थोड़े लंबे टाइम तक अगर आप कंटिन्यू करोगे तो आपके जो आईब्रोज के हेयर हैं वो अच्छे खासे हो जाएंगे, ग्रोथ इक्वल हो जाएगी, आपकी जो ये प्रॉब्लम है ये सॉल्व हो जाएगी। ये कॉटन बर्ड को इस तरह से लेना है आपने और अपनी आईब्रोज पर इसको लगाना है। आप इस ऑयल को नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर भी स्टोर करके रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। इस तरह से आपने अपने आईब्रोज के एरिया पर इसको अच्छे से लगा लेना है, ओवरनाइट रखना है, बेस्ट रिजल्ट के लिए लंबे टाइम तक फॉलो कीजिए। दैट्स इट गाइज, ये तो था हमारा होममेड जो है आईब्रो ऑयल। लेकिन कुछ लोग कहेंगे कि नहीं आप हमें मार्केट वाला बता दो, मार्केट का ऑयल बता दो, तो उसके लिए भी मेरे पास एक ऑप्शन है। मेरे पास है ये मॉम्स थेरेपी का आईब्रो ऑयल जो कि 25 ml की पैकेजिंग में आता है और रोलर सिस्टम है इसका, ठीक है ना। इसको आपने कुछ भी नहीं करना है, देखिए इस तरह से आपने इसे अपनी आईब्रो पर रोल करना है बस,
कुछ नहीं करना ज़्यादा, कुछ झंझट ही नहीं है। ये इस तरह से 25 ml की पैकेजिंग में आता है और इसके अंदर काफ़ी अच्छे अच्छे इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि हमारे जो आईब्रो के जो हेयर हैं उनकी ग्रोथ को बूस्ट करने में हेल्पफुल होते हैं। तो आप चाहें तो मोम सेरेबी का आईब्रो ऑयल जो है आप ऑनलाइन परचेज कर सकते हो, ठीक है, बहुत आसानी से आपको मिल जाएगा। अमेजोन पर सर्च कर लीजिए, फ्लिपकार्ट पर सर्च कर लीजिए, कहीं भी आप शॉपिंग साइट पर इसको सर्च करोगे तो आपको ये इजीली मिल जाएगा। काफ़ी अच्छा ऑयल है, रिजल्ट भी अच्छा है। तो अब आपकी मर्जी, आप चाहें तो होम मेड आईब्रो ऑयल ले लीजिए या फिर मार्केट वाला लेना चाहते हैं तो मार्केट वाला ये मोम सेरेपी का परचेज कीजिए, काफ़ी अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। सो गाइस, आई होप आपको आज का वीडियो बहुत पसंद आया होगा। पसंद आया ना तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड कमेंट करके बताइएगा जरूर कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। वीडियो को व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर आपने ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। मिलूंगी आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।